आज के एपिसोड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ग्रुप्स पे आधारित, समूहों पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसका प्रैक्टिस हम करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 25 टेक बंगाली, 16 टेक हिंदी, 16 टेक हिंदी, 12 स्टूडेंट्स टेक नो लैंग्वेज, हाउ मेनी टेक बोथ बंगाली एंड हिंदी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 50 स्टूडेंट का क्लास है, मतलब क्लास में 50 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं 50, जिसमें से 25 जो है बंगाली लेते हैं, 25 बच्चों ने बंगाली चूज किया है, 16 बच्चों ने हिंदी चूज किया है और 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं चूज किया है। तो इसमें से कितने बच्चे हैं जो कि बंगाली और हिंदी दोनों चूज किए हुए हैं। सबसे पहले इसको हम सेट थ्योरी के हिसाब से बनाते हैं, बहुत इजी वे में बन जाएगा। सेट थ्योरी के हिसाब से यदि सॉल्व करते हैं, ये मान लेते हैं कि हम ये बंगाली वाले स्टूडेंट हैं, जिसमें ये बोल रहा है कि 25 टेक बंगाली, मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन समझने के लिए कि 25 बच्चे जिन्होंने बंगाली लिया है वो हिंदी भी ले सकते थे, 16 टेक हिंदी। तो ये बंगाली लेने वाले बच्चे 25 हैं इसमें से, और हिंदी लेने वाले बच्चे जो हैं वो 16 है। 12 स्टूडेंट ने कोई लैंग्वेज नहीं लिया है, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं लिया है। तो हाउ मेनी टेक बोथ बंगाली एंड हिंदी, तो उसमें से कितने बंगाली और हिंदी दोनों चूज करेंगे, दोनों लेते हैं। तो ये बंगाली वालों का ग्राफ है, ये हिंदी वालों का ग्राफ है। तो बीच में जो एक कॉमन पार्ट है ये बोथ बंगाली एंड हिंदी वालों का ग्राफ हो गया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये बंगाली एंड हिंदी दोनों वालों का ग्राफ हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 50 स्टूडेंट हैं जिसमें 12 स्टूडेंटों ने कुछ नहीं लिया है, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक बंगाली और हिंदी और बोथ, मतलब कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि 12 ने कुछ नहीं लिया है 50 स्टूडेंट में, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 माइनस 12, मतलब 38 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने या तो बंगाली लिया है या हिंदी लिया है या दोनों लिया है। अब सेट थ्योरी में हम जानते हैं कि ए और बी यदि यूनियन ग्रुप है, ए और बी का ग्रुप है, तो सेट थ्योरी में फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है ये वैसे लोगों का समूह है जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। नंबर ऑफ ए का मतलब है कि ये वैसे लोग जो केवल ए में है, नंबर ऑफ बी वैसे लोग जो बी में है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक्स बंगाली और हिंदी और बोथ 50 माइनस 12। अब बंगाली लेने वालों की संख्या अगर आप नंबर ऑफ बी मान लेते हैं, हिंदी लेने वालों की संख्या एन एच मान लेते हैं, तो मतलब एन बी यूनियन एच जो है ये 38 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक बंगाली और हिंदी और बोथ, ए यूनियन बी मतलब ए वैसे लोगों का समूह है जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, और ए इंटरसेक्शन बी है वैसे लोगों का समूह है जो दोनों में है, एक एक में नहीं है, जो दोनों में कॉमन है, ये ए में है और ये बी में है। फिर बंगाली वालों की संख्या नंबर ऑफ बी
बंगाली वालों की संख्या 25 है, 25, और हिंदी वालों की संख्या, नंबर ऑफ एच जो है हिंदी वालों की संख्या 16 है। सीधा इस फॉर्मूले पे हमको बैठा देना है, मतलब नंबर ऑफ बी यूनियन एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एच। मतलब हाउ मेनी टेक बोथ बंगाली एंड हिंदी, मतलब कितनों ने दोनों लिए हैं, ये निकालना है हमें। तो बी यूनियन एच 38 इज इक्वल टू बी कितना आ गया, बी है बंगाली वालों की संख्या 25 प्लस हिंदी वालों की संख्या 16 माइनस दोनों लेने वालों की संख्या। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 25 और 16 41 माइनस 38 3, ये आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों लेने वालों की संख्या जो है वो 3 है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास 60 टेक टी, फोर्टी टेक कॉफी, एंड 25 टेक बोथ कॉफी एंड टी, the number of student not taking either tea or coffee। अब क्वेश्चन देखिए कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट इन ए क्लास, क्लास में 100 स्टूडेंट है, 60 टेक टी, 60 बच्चे जो हैं, 60 विद्यार्थी चाय पीते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो चाय पीते हैं वो कॉफी नहीं पी सकते, मतलब 60 जो चाय पीते हैं वो कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन मेन उनका चाय पीना है, 40 टेक कॉफी, और 40 कॉफी पीते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 40 स्टूडेंट जो है जो कॉफी पीते हैं वो चाय नहीं पीते होंगे। एंड 25 टेक बोथ कॉफी एंड टी, और यहाँ पे ये जरूरी है कि 25 जो है दोनों चीज पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकिंग आइदर टी और कॉफी, मतलब वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या हमें निकालनी है जो या न तो चाय पीते हैं, या तो चाय नहीं पीते हैं, या कॉफी नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी कि जो या तो चाय पीते हैं, या कॉफी पीते हैं, या दोनों पीते हैं। तो लेट मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टी कितना है, नंबर ऑफ टी जो है 60 है। अबे जो नंबर ऑफ टी 60 है, जैसे टी वालों की संख्या हो गई, और इसमें से कुछ लोग चाय पीना मुख्य रूप से चाय पीते हैं, लेकिन कॉफी भी पी सकते हैं। फिर कुछ लोगों का मुख्य काम है कॉफी पीना, लेकिन चाय भी पी सकते हैं, और इनके बीच में जो एक कॉमन बचता है, एक कॉमन जो है, जैसे 40 लोग हैं और एक कॉफी पीने वाले जो है 60 लोग हैं, चाय पीने वाले कॉफी पीने वाले 40 लोग हैं, जो कि चाय भी पी सकते हैं, इसमें से कुछ लोग चाय भी पी सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब यही है, 40 टेक कॉफी मींस 40 का मुख्य काम है कॉफी पीना, लेकिन वो चाय भी पी सकते हैं। 60 टेक टी,
साठ का मुख्य काम है चाय पीना, लेकिन वो कॉफी भी पी सकते हैं। तो दोनों का जो कॉमन है वो क्या है, एंड 25 टेक बोथ कॉफी एंड टी। जो ये कॉमन बीच में बचा हुआ है ये 25 है, जो कि कॉफी और टी दोनों पीते हैं। अभी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकिंग आइदर टी और कॉफी, मतलब वैसे स्टूडेंटों की संख्या निकालनी है जो या तो चाय नहीं पीते हैं या कॉफी नहीं पीते हैं, नहीं लेते हैं। तो नंबर ऑफ टी यहाँ 60 हो गया, नंबर ऑफ सी जो है वो 40 हो गया, एंड नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो 25 हो गया। अब आप वैसे स्टूडेंटों की संख्या निकाल लीजिए, वैसे स्टूडेंटों की संख्या निकालिए जो दोनों में से कम एक जरूर पीता है, मतलब या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है या दोनों पीता है, लेकिन कम से कम एक जरूर पीता है, मतलब नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। अब नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के बेस पे यदि हम इसको बैठा देते हैं तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी 60 प्लस 40 माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी 25, मतलब 60 और 40 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, मतलब 75 लोग उस क्लास में ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, दोनों में से कम कोई एक चीज जरूर पीते हैं। अभी ये निकालना है कि वैसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जो दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं। तो जब 75 स्टूडेंट की हम संख्या निकाल ली है कि दोनों में से कम कुछ पीते हैं, चाय या कॉफी में से कोई ना कोई एक जरूर पीते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट टेकिंग आइदर टी और कॉफी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, हमने यहां निकाल लिया कि दोनों में से कम कोई एक चीज पीते हैं तो 75 है, तो 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25, दैट्स योर आंसर, ये हो गया आंसर।